और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ऐसा क्या कह दिया कि लालू एंड फैमिली आज बबूरा है। सिर्फ आरजेडी समेत पूरा लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है वो सम्राट चौधरी से अब माफी की मांग कर रहा है। आखिर सम्राट चौधरी की तरफ से ऐसा कौन सा बयान दिया गया था जिससे पूरा परिवार इतने गुस्से में है, आप भी सुनिए। आप देखिए, लालू जी टिकट बेचते बेचते अभी तक बेटी को टिकट नहीं दिए थे, अब टिकट इसलिए दिया कि उनको तो ये पैसा कहीं से चाहिए, तो पहले पैसा पे टिकट बेचते थे, पैसा पर विधायक खरीदते थे, अब किडनी देकर बेटी को भी टिकट देने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस लोकतंत्र का। पहले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का ये बयान सुनिए। ये वो विवादित बयान है जिसको लेकर बिहार में सियासत उबल रही है। सम्राट के इस बयान से आरजेडी बीजेपी से आर पार के मूड में है और आरजेडी फ्रंट फुट पर बैटिंग करने को तैयार है। आरजेडी की महिला मोर्चा ने जहां सम्राट के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, तो वहीं खुद लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने करारा जवाब दिया है। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अपने पापा को अपनी एक किडनी देना तो उनके प्रति मेरा कर्तव्य और प्यार है, अपने परिवार और अपनी जन्मभूमि बिहार के लिए तो रोहिणी अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार है। ओछी सोच और ओछे चरित्र वालों की हर ओछी बात का जवाब जनता के बीच जनता जनार्दन की अदालत में दूंगी, सही गलत का फैसला जनता करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि लालू की दोनों बेटियां मिसा भारती और रोहिणी आचार्य चुनावी अखाड़े में उतरने वाली हैं। मिसा पाटलिपुत्र सीट से चुनाव लड़ने का मन बना रही हैं और रोहिणी आचार्य सारण सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं।